हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहार एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे मंदार, जो कि एक बंगाली सीरीज है। ये सीरीज देखने के बाद आपके पूरी तरह से होश उड़ जाएंगे। ये आपको हिंदी में कहां पर फ्री में देखने को मिलती है, तो वो एमएक्स प्लेयर पर है। लेकिन अगर आपको एमएक्स प्लेयर पर भी नहीं जाना था, और लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां जाओ, वहां पर आपको फ्री में ही देखने को मिल जाएगी। खैर, इसमें टोटल 5 एपिसोड है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 37 मिनट से लेकर 51 मिनट के बीच में ही है। और ये एक एडेप्टेशन है विलियम शेक्सपियर के फेमस प्ले द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ की। अब देखो यार, इस शो को डायरेक्ट किया अनिर्बन भट्टाचार्य ने, जो कि खुद एक बहुत अच्छे एक्टर है। उनकी मैंने कुछ मूवीज देखी है, लेकिन लास्ट एक मूवी देखी थी जिसका मैंने रिव्यू भी किया था, जिसका नाम है ड्रैकुला सर। फिर बात करें इस पर्टिकुलर शो की, तो कहानी यह है कि गेलपुर में एक हेंचमैन है जिसका नाम है मंदार, जो कि काम करता है यहाँ के लोकल मैग्नेट डब्लू भाई के लिए। अब ऐसे में कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब प्रोफेसी होती है, यानी कि भविष्यवाणी होती है एक बुढ़िया और उसके बेटे के द्वारा, कि मंदार यहाँ का राजा बनेगा। अब ऐसे में क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। देखो, शो के पहले मैं नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं, तो जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका स्क्रीन प्ले, जो कि थोड़ा सा एब्रप्ट है। उसके अलावा इसकी जो पेसिंग है वो स्लो है, और इसका जो क्लाइमैक्स है वो बहुत ही ज्यादा रश्ड है, यानी कि एकदम फटाफट खत्म कर दिया। मतलब स्टार्टिंग से चीजों को इतनी स्लोली स्लोली आगे बढ़ा रहे, और क्लाइमैक्स आता है तो चीजों को बम करके खत्म कर दिया। तो वो चीज थोड़ी सी मुझे अजीब सी लगी। लेकिन इसके अलावा शो की पॉजिटिविटी की बात करें, जो कि भर भर करे, तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट है कि इस मूवी में आपको पावर, लस्ट, ग्रीड, ये सारी चीजें देखने मिली है। और जो इंसान के हाथ में पावर आता था, वो पावर उसको कितना करप्ट करता है, और फिर करप्ट होने के बाद वो पावर उसके अंदर ओवर पावर हो जाता है, और वो कैसे सही और गलत के बीच का डिफरेंस समझना मुश्किल हो जाता है, वो आपको इस शो में बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया। वही देखने में मजा भी आता है। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। यहाँ पर कलर्स का भी बहुत ही अच्छी तरह से यूज किया है, और ये काफी डार्क शो है। अगर आप लोग ऐसा सोचोगे कि यार बस इसमें बस सेक्स देखने मिलेगा या मर्डर देखने मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफी कुछ चीजें इन्होंने सीन्स के द्वारा समझाने की कोशिश की, और साथ साथ जो ट्रांजिशन है ना हर एक सीन के बाद, वो काफी गजब लगा। उसके अलावा एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो, तो हर एक एक्टर यहाँ पर परफेक्ट नजर आता है। लेकिन सबसे पहले देवाशीष मंडल, जिसने यहाँ पर मंदार का रोल प्ले किया, कमाल काम किया है। उसके अलावा लाइली का जो रोल प्ले किए सलोनी सरकार ने, वो भी एकदम परफेक्ट लगी। और वो जितना सेंसुअलिटी है ना उसके अंदर भरी हुई इस पर्टिकुलर शो में, वो आपको मतलब एक अंदर से फील होगी। उसके अलावा विलन्स के रोल की बात करें तो वो लोग भी एकदम परफेक्ट है। और अनिर्बन भट्टाचार्य, जो कि खुद उन्होंने यहाँ पर एक रोल प्ले किया मुकद्दर मुखर्जी का, इस तरह से उन्होंने यहाँ पर अपने किरदार को निभाया, मानना पड़ेगा, मतलब अलग तरह के एक्टर है। कुल मिला के देखा जाए तो ये शो डेफिनेटली एक अलग हटके लगा। लेकिन अगर आप लोग को इस तरह के स्लो शो, जहाँ पर आपको कहानी धीरे धीरे अपने आप जकड़े, और मर्डर और थोड़ा सेक्स सीन्स देखने को मिले, तो वो अगर आपको नहीं पसंद है तो आप लोग ये शो से दूर रहना। लेकिन आपको इस तरीके की चीजें पसंद है तो ये डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। एक बार तो डेफिनेटली चेक करो। और हाँ भाई, इसका बीजीएम, जो कि मैं बताना भूल गया, बीजीएम रोंगटे खड़े कर दिया मेरे। मतलब बहुत सारे ऐसे सीन्स है जहां पर आपको बीजीएम सुन के बहुत मजा आने वाला है, एक अलग ही फील होता है आपके अंदर। खैर, अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करूं तो यार फैमिली के साथ नहीं देख सकते, और मैं शो को रेटिंग दूंगा 8/10। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।